इस वीडियो पर थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, लेकिन सही जगह आने से पहले ये फ़ोटोज़ देख लीजिए। यहाँ पे ये फ़ोटोज़ ना जाने ऐसे ही लाखों कितने फ़ोटोज़ इंटरनेट पर पड़े हैं और वीडियो भी पड़े हैं, क्योंकि आज की वीडियो ही काफ़ी सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। और टॉपिक ये है कि ब्लास्ट पे ब्लास्ट ना जाने कितने सारे स्मार्टफोन हर महीने ब्लास्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक हफ्ते में लगभग आप समझ लीजिए 4 स्मार्टफोन न्यू लॉन्च होते हैं। तो आप पर ईयर्स की अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी थी। चेतावनी समझिए या फिर इसको इन्फॉर्मेशन समझिए, क्योंकि अगर आप एक भी गलती करते हैं तो ये स्मार्टफोन चलाना आप पे भारी पड़ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और जनता के भी सवाल मैंने लिया और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या जनता ने पूछा है और उसका जवाब भी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी में और नए वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके मुझे बताएं। उम्मीद है मुझे आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज किसी टॉपिक बहुत सीरियस है और प्लीज़ वीडियो को आज शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा, रिक्वेस्ट हमारी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। टॉपिक ये है कि आज के डेट में स्मार्टफोन को हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलाने की प्रक्रिया में बता रहा हूँ क्या क्या आपको नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं, जो नहीं करना है, उसके बाद जो बचेगा आपको करना है। जो नहीं करना है वही आप कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहा था, उसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, रिक्वेस्ट हमारी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्टफोन एक्सप्लोड होने से बचने के क्या क्या उपाय हैं, मतलब स्मार्टफोन फटने से क्या क्या बचने के उपाय होते हैं, मैं 5 टॉपिक बताऊंगा। उसके बाद जनता के ही क्वेश्चन को उठाया हूँ, उसको उसके अपने शब्द में रिप्लाई दूंगा, क्या इसका सही क्या इसका झूठ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नंबर पॉइंट से। देखिए स्मार्टफोन फटने से अगर बचना चाहते हैं तो ये जो 5 टॉपिक है इसको आप फॉलो करिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, नहीं तो फ़ोन आप पे हावी हो सकता है। सीरियसली बता रहा हूँ, फ़ोन आप पे हावी हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ A to Z, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे कारण, बहुत बड़े बड़े कारण वो हैं जिसके कारण आपका स्मार्टफोन आपसे छीन सकता है, आपकी ज़िंदगी भी ले सकता है। पहले नंबर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पॉइंट। अब सबसे पहली पॉइंट ये है कि मैं ज़्यादातर 99.98% में देखता हूँ, 99.98% नहीं कर सकते, 90% कर सकते हैं, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के चलाते हैं। ये देखिए बहुत ही गलत बात है कि स्मार्टफोन को आप चार्ज में लगा के चला रहे हैं। ये पहला ही कारण बन जाता है कि आपका स्मार्टफोन कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, चाहे आप पावर बैंक में लगा के चला रहे हो या फिर स्मार्टफोन को अगर चार्ज में लगा के चला रहे हो तो ये पहला कारण है कि आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि भाई साहब अगर बैटरी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दूसरी टॉपिक ये है कि अगर आप एक स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसमें कंपनी की तरफ से ओरिजिनल चार्जर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि चार्जर क्या था, चार्जर तोड़ के फेंक देते हैं और जाते हैं बाजार से 200 रुपये 250 रुपये वाला चार्जर लेके आते हैं और उसी से अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं। ये सरासर गलत है। आप खरीदें तो खरीदें ओरिजिनल चार्जर खरीदें, थर्ड पार्टी अगर चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्रेन होकर उतरेगी और कभी भी आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है। अब ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि 1 महीने में ऑलमोस्ट 2 या 3 स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसके कारण यही सब बातें हैं। जो छोटी छोटी बातें अगर आप इग्नोर करते जाएंगे तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। तो थर्ड पार्टी चार्जर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मेरी सलाह तो यही है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि स्मार्टफोन को आप धूप में बिल्कुल भिगाकर नहीं चलाएंगे। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं कि स्मार्टफोन को आप चाहें धूप में ले जाकर बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा स्मार्टफोन क्यों ना हो। अगर एक बार एक्सप्लोड कर जाता है तो उसमें से भरोसा उड़ जाता है। ये नहीं कहें कि मैं 60,000 70,000 का स्मार्टफोन लिया हूँ लेकिन फिर भी उसको मैं जाकर धूप में चला रहा हूँ। धूप में चलाने से होगा ये, तुरंत तो नहीं ब्लास्ट होगा, लेकिन अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं फिर उसके बाद आप हैवी धूप में ले जाकर अगर यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो भाई साहब फोन हो जाएगा गर्म, और जब फोन गर्म होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि स्मार्टफोन को आप ज़्यादा देर तक या धूप में ले जाकर चलाएं ही मत। अब चौथी पॉइंट, इसमें 3-4 टॉपिक अलग से मैं इंक्लूड किया हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं।
देखिए, अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो जैसे मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कि स्मार्टफोन लिए और इस तरह से उठा के इस तरह से बिस्तर फेंक देंगे, तो इस तरह से भी आपकी बैटरी को इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं से अगर फिजिकली डैमेज होगा तो स्मार्टफोन कभी भी पंक्चर होकर ब्लास्ट हो सकता है। और देखता हूँ कि उसके बाद स्मार्टफोन रखे रहेंगे बिस्तर में, उसके बाद जाके उसी पर लेट जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक ये, क्योंकि अगर आप उस पर बैठ जाते हैं तो आप ये ध्यान में नहीं रख के चलते हैं कि स्मार्टफोन में बैटरी लगी होती है। बैटरी पर किसी भी तरह से अगर फिजिकल इफेक्ट पड़ता है तो स्मार्टफोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और कभी कितने लोग तो मैं देखता हूँ कि बेड पे रखे रहेंगे और उसी पे सो जाते हैं, कहते हैं यार गलती से बैठ गई नहीं का बैल। लेकिन ये बात बहुत ही गलत है कि अगर बैठ जा रहे हैं तो एक दो बार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तीसरी या चौथी बार ज़बरदस्ती तीसरी या चौथी बार अचानक से बैठ गए तो अभी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और हादसा तो होना ही है, जब ब्लास्ट होगा तो फिर आप समझ सकते हैं। और इसमें तीन चार टॉपिक इंक्लूड करने के साथ वो टॉपिक ये है कि जो स्मार्टफोन लेकर यूजर्स अगर जाते हैं कहीं भीड़ भाड़ इलाके में, समझ लीजिए जो जींस टाइट जींस पहनते हैं, एकदम से टाइट जींस, बेसिकली लड़कियां मैं देखता हूं, और टाइट जींस पहनने के साथ अगर वो बाइक चला रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो उसमें धूप लगती है, धूप सामने से आती है। अगर स्मार्टफोन टाइट जींस में किसी, समझ लीजिए आप किसी सॉलिड में अगर उसको पैक कर दे रहे हैं, ऊपर से लाइट भी आ रही है, तो स्मार्टफोन हीट होता है। देखोगे अगर कभी आप गर्मी में स्मार्टफोन ले जाते हैं बाहर ही, तो अपने आप में स्मार्टफोन लगता है कि हीट हो गया है। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि अगर हीट से भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का चांस रहता है, क्योंकि ज़्यादा दूर तक आप राइडिंग करेंगे तो स्मार्टफोन आपके पॉकेट में रहेगा, उससे भी स्मार्टफोन एक्सप्लोड होने का खतरा बना रहता है। पांचवा पॉइंट ये है कि अपने स्मार्टफोन में फालतू का ऐप इंस्टॉल ना करें। अब कहेंगे कि भाई साहब इससे क्या मतलब है, थर्ड पार्टी ऐप जिसको कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों बता रहा है कि ऐप इंस्टॉल करने से फ़ोन ब्लास्ट होता है। जी हाँ गाइस, इससे भी फ़ोन ब्लास्ट होता है, इसलिए क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड जैसे ही करते हैं, देखिए मैं सलाह देता हूँ कि उन ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से निकाल फेंकिए जो कि गूगल की तरफ से प्रोटेक्ट नहीं है, वेरीफाइड नहीं है गूगल की तरफ से। गूगल प्ले स्टोर में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जाएंगे तो वेरीफाइड ट्रिक लगा होता है, उसके बाद इंस्टॉल करिए ऐप को। थर्ड पार्टी ऐप जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, वो ससुरा क्या करेंगे, आपके प्रोसेसर को हमेशा इंटरनली रन करते रहते हैं, हमेशा रन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन चलेगा नहीं, तभी भी आपका स्मार्टफोन हीट करता रहेगा और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, कुछ नहीं किया फिर भी स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। एक एक पॉइंट जो इसकी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पॉइंट को आप इग्नोर करते हैं तो आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ। तो स्ट्रिक्टली ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ छठवें नंबर की पॉइंट की तरफ देखिए छठवां पॉइंट ये है कि हद से ज़्यादा स्मार्टफोन करना भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब ये कैसे घातक सिद्ध हो सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्मार्टफोन की ओवरऑल टेम्परेचर वैल्यू होती है, और अगर लगातार आप गेम खेल रहे हैं, बेसिकली गेम में ही फ़ोन हीट होता है, क्योंकि गेम में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर पे लोड पड़ता है। स्मार्टफोन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर अपने आप ब्लास्ट हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप स्मार्टफोन में हैवी यूज़ कर रहे हैं। हैवी यूज़ करने का मतलब सबसे ज़्यादा गेम खेलना हो गया, एक साथ मल्टीपल काम करना हो गया, ये काम जो कर रहे हैं तो हद से ज़्यादा ना करें। लगातार 4 से 5 घंटा स्मार्टफोन कभी भी ना चलाएं। अगर वो अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर ज़रा सा भी आगे गया तो फ़ोन आपका कभी भी आपके हाथ में ही कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकता है। उसका एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री से 43 डिग्री तक जाता है। अगर इससे 36 से आगे ज़्यादा रहा है, 30 ऑलमोस्ट पहुँचा रहा है, तुरंत स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके बंद कर दीजिए और शांति जगह रख दीजिए। और ये बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूँ कि दिमाग में सोचते हैं कि स्मार्टफोन को क्या मैं अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसको मैं फ्रीजर में डाल दूँ तो क्या एकदम स्मार्टफोन ठंडा कूल हो जाएगा। तो हो तो जाएगा, लेकिन ठीक है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डाल दूँ फ्रिज में, स्मार्टफोन कोल्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा बैटरी पे पड़ेगा। समझ लीजिए बैटरी की अगर लाइफ 5 साल की होती है तो वो समझ लीजिए 1 साल घटा दीजिए, 4 साल आपकी बैटरी चलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें बैटरी में सबसे साइंस का फंडा होता है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी लंबी। तो अगर आप कोई भी चीज़ को समझ लीजिए, तरह से कोई भी चीज़ को, गर्म चीज़ को तुरंत अगर ठंडे में रखते हैं तो भाई साहब इंटरनली उसके कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उसी को जैसे आपकी जो बैटरी की लाइफ होगी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है। अब मैं बात करूंगा सवाल जवाब। जनता ने सवाल पूछे हैं कि क्या इस तरह से होते हैं, क्या उस तरह से होते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, इसी टॉपिक पर स्मार्टफोन ब्लास्ट से लेकर। तो
तो चलिए सबसे पहले सवाल उठाते हैं जनता की सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए अब सबसे पहला जनता का सवाल लेता हूँ। सवाल ये है कि पूछे हैं क्या ओवरलोड से और थर्ड पार्टी ऐप से मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है क्या? तो देखिए सबसे पहला ही जवाब मेरा रहेगा हाँ। इसके पीछे वाले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन किया था, इस बारे में भी जब सवाल जवाब है तो पूरा मेरा दायित्व बनता है कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि क्या होता है। देखिए ओवरलोड और थर्ड पार्टी ऐप, मैं पहले ही बताया था कि अगर आप हद से ज़्यादा स्मार्टफोन करेंगे तभी उसको ब्लास्ट होता है, और ये तो समझ लीजिए कि 100% चांस हो जाता है ब्लास्ट होने का। क्योंकि अगर आप ओवरलोड स्मार्टफोन को कर रहे हैं और उसमें थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल करके कर रहे हैं, ये जितने भी VPN आते हैं ये इसको इंस्टॉल मत कीजिए। मैं तुरंत में बोलता हूँ इसको इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन को आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं, स्मार्टफोन हैंग करने लगता है। ये सब इन्हीं के कारण होता है कि स्मार्टफोन हैंग करता है, और लोग कुछ नहीं जानते हैं और स्मार्टफोन में फालतू की ऐप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते रखे जाएंगे और उसको डिलीट भी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछे थे आप लोगों ने, तो इसका जवाब होगा कि हाँ, ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना है और थर्ड पार्टी ऐप तो बिल्कुल निकाल के फेंक देना अपने स्मार्टफोन से। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है क्या? ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया था, क्या स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है क्या? तो भाई साहब देखिए, ये इत्तेफाकी हो सकता है कि स्मार्टफोन आपके हाथ में रहे ब्लास्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ब्लास्ट की मैं बात करूँ, देखिए मैं किसी भी एक कंपनी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन जो ब्लास्ट हुआ वो एक स्मार्टफोन था जिसका नाम था OnePlus Nord 2। कम से कम 6 बार स्मार्टफोन ये ब्लास्ट हो चुका है, ये कई स्मार्टफोन। अब किस किस कंडीशन में ब्लास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो कंपनी भी रिप्लाई नहीं दी, लेकिन बहुत बड़े मेजर ऐसे कारण नहीं थे। और देखिए ये वन प्लस की कंपनी नहीं है, Xiaomi हो गया, Redmi हो गया, Realme हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, Vivo हो गया, Oppo हो गया, ये सारे स्मार्टफोन भी ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इनके किससे बहुत कम आते हैं, आप लोग देख नहीं पाते होंगे। मैं हर एक चीज़ देखता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो स्मार्टफोन आप सिक्योर यूज कीजिए, आप ज़्यादा उसको हैवी यूज मत कीजिए और ज़्यादा उसको फिजिकली डैमेज मत कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्टफोन को बचाने के लिए कि उसको फिजिकली डैमेज मत कीजिए। फिजिकली डैमेज का ये मतलब नहीं है कि आप यूज़ कर रहे हैं उसको गिरा दें इस तरह सामने, ये भी मतलब नहीं। तीसरा सवाल ये लोग पूछते हैं कि स्मार्टफोन अगर पानी में गिर जाए तो क्या करें? देखिए इसका भी जवाब ये है, अगर आपका स्मार्टफोन बाय चांस आप यूज कर रहे हैं, आपका स्मार्टफोन पानी में गिर जाए, तो करना कुछ नहीं है, स्मार्टफोन को निकालिए, ज़्यादा समय तक उसमें मत दीजिए, क्योंकि IP रेटिंग हर एक स्मार्टफोन की अलग अलग होती है। ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन की इस समय जो आ रहा है उसकी 1/2 घंटा तक है, और अगर हायर प्राइस पर जाएंगे तो वो कम से कम 1 घंटा तक रहेगा। लेकिन स्मार्टफोन अगर पानी में गिर रहा है उसको इंतजाम से निकालिए, निकालने के बाद उसको अपने आप एक बार उसको पोछिए, इसको फोन को इस तरह झटकार दीजिए, झटकार के कहते हैं लोग धूप में रखिए, धूप में 10 मिनट से ज़्यादा मत रखिए फ़ोन को, मैं आपको अभी पीछे बताया हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा मत रखिए। स्मार्टफोन उठाइए और उसके रिपेयरिंग सेंटर पे, उसके ओरिजिनल रिपेयरिंग सेंटर पे जाइए, कह दीजिए स्मार्टफोन मेरा गिर गया था पानी में, उसके बाद वो आपको रिपेयर करके देंगे। वहाँ पे अलग अलग तरह की मशीनें होती है, वो खोल के बनाएंगे। अगर आप ही घर आप मिस्त्री बन जाएंगे, खोलना शुरू कर देंगे, तो भाई साहब राम राम फिस, टाइम टाइम फिस, मोबाइल आप कैसे गया, फिर दोबारा बनेगा ही नहीं, हर एक चीज़ में पानी घुस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये इसका जवाब। अब बढ़ते हैं सवाल जवाब 4 क्वेश्चन, फिर से पूछे हैं मोबाइल ब्लास्ट कब होता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है ओवरलोडिंग से। मोबाइल ब्लास्ट कब होता है? सबसे ज़्यादा अगर ओवरलोडिंग कर देते हैं स्मार्टफोन को, 36 डिग्री से 43 डिग्री तक टेम्परेचर ले चले जा रहे हैं, तो स्मार्टफोन आपका कभी भी आपके हाथ में कहीं भी ये ब्लास्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं सवाल जवाब 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे, फ़ोन फटता कैसे? ये इस तरह के तरंगे तरंगे सवाल हैं कि फ़ोन फटता कैसे है। अरे भाई यार, फ़ोन फटता कैसे, सुनो मैं बताता हूँ फ़ोन फटता कैसे है, फिर मैं बताऊंगा। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ओवरलोडिंग, ज़्यादा स्मार्टफोन यूज ना करिए, 4 घंटा से ज़्यादा स्मार्टफोन ना यूज करिए। दूसरा पॉइंट ये कि ज़्यादा हैवी गेम मत खेलिए, एक साथ मल्टीपल काम ना यूज कीजिए। और तीसरा ये कि आप थर्ड पार्टी ज़्यादा ऐप का इस्तेमाल ना कीजिए, ये 3 काम आप इग्नोर कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, उसके बाद आपका स्मार्टफोन बच जाएगा फटने से। ये मैं नहीं, जनता ही पूछ रही है कि स्मार्टफोन ब्लास्ट कैसे होता है। देख रहे होंगे क्वेश्चन सिमिलर मिल रहे होंगे, लेकिन आंसर भी सिमिलर इसलिए है क्योंकि जनता पूछ रही है, मैं बताना जा रहा हूँ, सबको चेताना जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए मेरी ये कि अगर आप स्मार्टफोन नहीं सिक्योर करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। 7वां क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मुझे सोचने वाला लग गया ये, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाना बहुत ज़रूरी बन गया। क्यों, ये क्वेश्चन क्या है, सुनिए पहले क्वेश्चन मेरे से। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे लोग कि क्या सही कवर इस्तेमाल करने
सॉरी क्या सही कवर का इस्तेमाल न करने से मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है क्या? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या सही कवर इस्तेमाल करने से मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है क्या। तो देखिए भैया, मेरी बात यहाँ पर ये है, इसमें इत्तेफाकी हो सकता है कि आप कवर लगाएं और स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाए। ये बताना मैं चाहता हूँ लोगों को कि ये झूठ है, इसमें सच्चाई 10% है 0%। अगर आप स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं आजकल तो 10,000 के स्मार्टफोन में भी आपको कवर मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये, अगर ये दिमाग लोगों के दिमाग में सोच रहा हूँ कि इस तरह की बातें आती कहाँ से हैं। देखिए, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको पर्चे जैसे ही करेंगे इसमें आपको एक कवर मिलता है, वो आप कवर लगाइए। देखिए, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये होता इसलिए होगा कि जैसे आप स्मार्टफोन ले लिए, अगर आप चाहते हैं भैया हमको चाहेगा स्टाइलिश कवर, एकदम बढ़िया कवर चाहिए मुझको, तो आप जाते हैं दुकान पे और वहाँ कहेंगे भैया मुझको एकदम स्टाइलिश कवर दिखाइए बढ़िया एकदम, और निकालेगा 300 रुपये वाला धुआं धमाकेदार बढ़िया, और रहेगा कैसा, वो रहेगा प्लास्टिक का, मोटी प्लास्टिक का बना होता है कवर, बना होता है प्लास्टिक का। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हैवी यूज कर रहे हैं, देखिए ब्लास्ट होने का यही कारण होता है। छोटी छोटी बातें आपको घातक सिद्ध हो सकती है बाद में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर आप इग्नोर करते जाएंगे तो एक बार अगर आपके साथ हादसा होगा फिर उसके बाद समझ में आएगा कि कोई वीडियो बना के बताता है। इस तरह की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप स्मार्टफोन को अपने सिक्योर कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। चलिए बट उसी पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप प्लास्टिक अगर कवर लगाते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो जैसे आप स्मार्टफोन चलाएंगे उसमें हीट जनरेट होगी, समझिए एग्जांपल, ये समझिए मोबाइल है, ये समझिए कवर है, जिस तरह से आप यहाँ पर रखेंगे तो इसमें से जो हीट निकलेगी ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, प्लास्टिक का लगा हुआ तो ये इंटरनली आपके स्मार्टफोन को फिर से हीट को वापस कर देगा। अब इसका मतलब होगा ये कि जितनी हीट निकलेगी वापस उसी में जाएगी फिर से, तो स्मार्टफोन को होना क्या करेगा, फिर गर्म होना शुरू करेगा। आप यूज़ करते जाएंगे कंटिन्यूस करते जाएंगे और एक समय ऐसा है कि एक्सट्रीम होते हुए आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाएगा और आपका भैया हाथ जल जाएगा। तो इस तरह से भी मैं कहता हूँ कि आप सॉफ्ट केस, जो सॉफ्ट केस आता है प्लास्टिक का, उस तरह का स्मार्टफोन यूज किया करिए, स्मार्टफोन मैं कह रहा हूँ कवर यूज किया करिए, इस तरह करेंगे तो आपका आपके साथ हादसा कभी नहीं होने वाला है। और 8वां क्वेश्चन ये लोगों ने पूछा था कि स्मार्टफोन के जो कवर होते हैं वो कुछ समय बाद 6 महीना या फिर 1 साल के अंदर पीले पड़ जाते हैं, इसका भी कारण इसी फैक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तभी मैं इस क्वेश्चन को पिक किया और बता भी रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो भाई अलग हो जाता है लेकिन इस तरह का भी क्वेश्चन इसी में आता है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का बैग केस यूज करते होंगे तो आपको ध्यान में आता होगा कि आपका स्मार्टफोन का जो केस है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद पीला पड़ जाता है, पूरा पीला हो जाता है। वो होता है इसीलिए कि जो स्मार्टफोन में जो हीट निकलती है वो इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उसके बाद वो बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी मेजर कारण है कि स्मार्टफोन का जो कवर होता है पीला पड़ जाता है। तो ये है इसके कारण जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन पीला हो जाता है। तो भाई साहब, ये थे कुछ 5-6 कारण ब्लास्ट होने के और 7-8 क्वेश्चन जनता के भी मैं उठा लिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, यहाँ तक देखे होंगे वीडियो, अगर जरा सा भी आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे कुछ सीख मिली है, दूसरों तक वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तभी जानकारी दूसरों तक जाती है। अगर आप दूसरों तक शेयर करेंगे उसको भी पता लगेगा कि ये बंदा कुछ जानकारी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ आपको बता रहा है कि इस तरह से आप ना करें तो आपका स्मार्टफोन बच सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को, भाई साहब इतना वीडियो में मैं नहीं बोला हूँ, लास्ट में बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम देखने को मिलती है और वीडियो अब देखता हूँ बना पाता हूँ, क्योंकि परीक्षा आ रही है तो क्या कह सकते हैं, परीक्षा थी, लेकिन फिर भी मैं देखूँगा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा समय निकाल के 1-2 घंटा, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा मुझे उम्मीद है कि A to Z समझ में आ गया होगा कि स्मार्टफोन ब्लास्टिंग होता है। जो थंबनेल लगा था वो बहुत खतरनाक लगा था, देख लीजिएगा पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें टेक्नोलॉजी श्रीकांत यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।